हेलो गाइस, वेलकम इनटू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस ओमेगा स्टडी सेंटर। चैप्टर लाइफ प्रोसेस के टॉपिक न्यूट्रिशन का लेक्चर 7 देखेंगे। हम लोगों ने अब तक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखा है। हम लोगों ने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ हम लोग देखें एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एनस पे जाके एंड हो रहा है, ये एनस हो गया माउथ। तो माउथ से जाके एनस पे जो एंड हो रहा है इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इस ट्यूब से कनेक्टेड कुछ ग्लैंड्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे स्टमक वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ हम लोग देख रहे हैं लीवर, यहाँ हम लोग देख रहे हैं पैनक्रियास, फिर हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होता है, फिर हम लोग देखें माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होता है। तो ये कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ मिल के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम माउथ टू एनस। हम लोगों ने जस्ट अभी डायग्राम में देखा था एलिमेंट्री कैनाल एक सिंगल ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है फ्रॉम माउथ टू एनस। दिस ट्यूब हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। इस ट्यूब का हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, दिस ट्यूब हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसके डाइजेशन में यह ट्यूब हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ यह ट्यूब और भी फंक्शन करते हैं, जैसे लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और सॉलिड वेस्ट। तो इस ट्यूब का हम लोग 3 फंक्शन देख रहे हैं। एक तो डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सेकेंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जितना भी फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उस ट्यूब में उस डाइजेस्टेड फूड को यह एब्जॉर्ब कर लेता है। और लास्टली रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या सॉलिड वेस्ट, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जिस फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो वो सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सॉलिड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का भी काम किसका है? तो एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा पार्ट्स है। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज द माउथ, सेकेंड पार्ट इज फैरिंग्स, थर्ड इसोफेगस और फूड पाइप, फोर्थ स्टोमक, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स लार्ज इंटेस्टाइन, सेवन्थ रेक्टम एंड एट एनस। हम लोगों ने देखा एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, माउथ, फैरिंग्स, इसोफेगस और फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। देयर शुड बी एच। तो हम लोग माउथ देखें। माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। हम लोग देख रहे हैं कि माउथ अपने आप में ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बना हुआ है, बहुत सारे ऑर्गन उसमें। टीथ, इसका अपना फंक्शन है, टंग इसका अपना फंक्शन है, सैलिवरी ग्लैंड इसका अपना फंक्शन है। तो माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। व्हेन वी पुट आवर फूड इन माउथ
एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा। जैसे ही हम लोग किसी फूड पार्टिकल को माउथ में डालते हैं और उस फूड में सलाइवा को हम मिक्स करते हैं, वो जैसे ही फूड में मिक्स होता है वो माउथ से ही डाइजेशन फूड का स्टार्ट कर देता है। सलाइवा सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। हम लोगों के माउथ में देखे थे 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड था, तो वो सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करता है। सैलिवरी ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है उसे क्या बोलेंगे? सलाइवा। 3 pairs of salivary gland present in our mouth. Saliva contain an enzyme called salivary amylase. याद रखना है कि saliva में एक enzyme होता है जिसे हम लोग salivary amylase बोलते हैं. Now, which starts digestion of carbohydrates from mouth. तो ये हमारे food particles में से carbohydrate का digestion माउथ से ही स्टार्ट कर देता है। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज व्हिच स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम माउथ। इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड इनटू माल्टोज और डाइसेकेराइड। वो देखेंगे कि हम लोग जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ना, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स का चेन होता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन्स मेनी, सेकेराइड्स मीन्स ग्लूकोज ना, ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं चेन के रूप में, तो पॉलीसेकेराइड्स इनटू माल्टोज। ये उस चेन को क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट का चेन है पॉलीसेकेराइड से उसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब माल्टोज क्या है, तो माल्टोज हम लोग देखेंगे डाइसेकेराइड्स, तो डाई मींस टू, टू सेकेराइड्स मींस ग्लूकोज। तो ये उस लंबे चेन को दो दो शुगर मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। तो दो शुगर मॉलिक्यूल्स के, याद रखना है, दो शुगर मॉलिक्यूल्स के चेन को हम लोग डाइसेकेराइड बोलेंगे। अगर बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स के चेन होंगे तो पॉलीसेकेराइड बोलेंगे, अगर सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होंगे तो मोनोसेकेराइड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट था पॉलीसेकेराइड था, इसको सैलिवरी एमाइलेज ने डाइसेकेराइड में ब्रेक कर दिया। सैलिवरी एमाइलेज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, याद रखना सैलिवरी एमाइलेज का सेकेंड नेम टाइलिन भी है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी फंक्शन ऑफ टाइलिन पूछ दे तो समझ जाना है कि सैलिवरी एमाइलेज के फंक्शन के बारे में हमें लिखना है। तो हम लोगों ने देखा माउथ, माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। Process of digestion starts in mouth. Now, when we put our food in mouth and mixed with saliva, food का digestion mouth से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हम लोग mouth में food डालते हैं, saliva से उसे mix करते हैं, उसका digestion start हो जाएगा। Saliva secreted by salivary gland. Saliva जो कि enzyme है यह salivary gland से secrete होता है। Now, 3 pairs of salivary gland present in our mouth. हम लोग के माउथ में 3 pair सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवा कंटेन इन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। तो सलाइवा जो वाटरी एंड विस्कस सब्सटेंस है व्हिच स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम माउथ, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में शुरू कर देता है। तो हम लोग जनरली फूड जो खाते हैं उस फूड में हम लोग देखते हैं मेन कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर उसमें प्रोटीन होता है और फैट्स एंड लिपिड्स होता है, फैट्स होता है। तो हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ये 3 मेन कंपोनेंट है जो हमारे डेली के डाइट में होता है। तो इस तीनों कंपोनेंट में से सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। जैसे फूड लिए उस फूड पार्टिकल में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसका ब्रेकडाउन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग फर्स्ट
इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट कंपोनेंट है जिसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम माउथ, तो माउथ से इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, इसे हमने पहले ही देखा था। ये बक्कल कैविटी या माउथ हो गया, माउथ में हम लोग टंग देखेंगे। जस्ट इसके बाद हम लोग एपिग्लोटिस, ईसोफेगस, स्टमक, देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस देखते हैं। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से फ्यूज होता है वहाँ पे एक हम लोग वर्मी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अपेंडिक्स ना, अपेंडिक्स ये वर्म लाइक होता है इसलिए इसे हम बोलते हैं वर्मी कूलर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गेन इन ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शनल इन रूमिनेंट्स। ये जो अपेंडिक्स है ये हम लोग के बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गेन है। वेस्टिजियल का मतलब जिसका कोई फंक्शन नहीं है ना, ये हम लोगों के बॉडी में इनएक्टिव है। जबकि रूमिनेंट्स जो ग्रास ईटर एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, उसके बॉडी में इसका साइज लार्जर भी होता है और ये फंक्शनल भी होता है, जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम लोगों के बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, जबकि रूमिनेंट्स में सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो ये याद रखना है कि अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गेन है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, हम लोगों ने देखा था थ्री पेयर सैलिवरी ग्लैंड। देखेंगे वन पेयर जो बिलो चीक होता है, तो देख रहे हैं पैराटॉइड ग्लैंड्स, ये सैलिवरी ग्लैंड है। यहाँ हम देख रहे हैं एक डक्ट के थ्रू ये माउथ में क्या करता है, तो अपने सलाइवा को सिक्रेट करता है। फिर हम वो देख रहे हैं बिलो टंग, जस्ट टंग के बिलो ना सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये भी सैलिवरी ग्लैंड है। वन पेयर सबलिंगुअल ग्लैंड होता है हम लोग के जस्ट टंग के नीचे। और हम लोग लोअर जो के नीचे या उसकी के पास हम देख रहे हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये थ्री पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का 3D स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर हो गया, अब आप लोग खुद इसको लेवल कर सकते हैं। ये बक्कल कैविटी का टिप टंग हम लोग देखेंगे इसी के अंदर है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये फैरिंग्स है, ये फूड पाइप है, यहाँ से यहाँ तक इसोफेगस या फूड पाइप। ये हम लोग देख रहे हैं स्टमक, स्टमक से नैरो ट्यूब निकलता है, ये हम लोग देख रहे हैं जो क्वाइल्ड है, इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हुए क्वाइल होते हुए देख रहे हैं कि ये रेक्टम हो गया और एनस से ओपन हो जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। टिथ, टिथ हेल्प्स इन क्रशिंग एंड चिविंग द फूड। फूड को क्रश करने में, ब्रेक करने में और च्यू करने में, चबाने में टिथ हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। तो फूड को च्यू करना मैस्टिकेशन कहलाता है, मैस्टिकेशन याद रखना है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है व्हाट डू यू मीन बाय मैस्टिकेशन। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ऑफ फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। टीथ हैव हार्डेस्ट मिनरलाइज सब्सटेंस कॉल्ड इनामेल। हम लोग के टीथ के ऊपर जो लेयर होता है साइनी लेयर, वो कैल्शियम का बना होता है जिसे इनामेल बोलते हैं। इस इनामेल के कारण ही टीथ हमारा हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का,
अदर में इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनामेल है, ये टीथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एन एडल्ट हैज 32 टीथ इम्बेडेड इन द अपर एंड लोअर जो बोन्स ऑफ माउथ, हम लोग देखते हैं हमारे माउथ दो जो में डिवाइडेड है, अपर जो एंड लोअर जो, और दोनों ही जो में टोटल 32 टीथ होते हैं, 16 टीथ इन अपर जो एंड 16 टीथ इन लोअर जो। यंग चिल्ड्रन हैव ओनली 20 टीथ, हम लोग किसी चाइल्ड में देखेंगे जो बिलो 6th और 7th होता है उसमें 20 टीथ ही होते हैं, विच आर कॉल्ड मिल्क टीथ, जिसे हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट अराउंड द एज ऑफ 7 और 8, किसी भी चाइल्ड में हम लोग देखेंगे 7 से 8 ईयर्स जाते जाते उसका मिल्क टीथ डिसअपियर हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, और उसके बदले में उसके जगह पे हम लोग देखते हैं परमानेंट टीथ आ जाता है। तो मिल्क टीथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट अराउंड द एज ऑफ 7 और 8, 7 और 8 ईयर्स एज जाते जाते जितने भी मिल्क टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं और उसके जगह पे हम लोग देखेंगे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो हमारे माउथ में कितने टाइप के टीथ हुए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ विच हैव फॉलोइंग फंक्शंस, हम लोग के माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, देखेंगे इनसीजर, इट इज फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ विच हेल्प्स इन कटिंग फूड, यहाँ हम लोग इंसीजर देख रहे हैं, ये इंसीजर है, ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग क्राउन बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग रूट बोलते हैं। तो ये जो मस्कुलर पार्ट है जो जॉ के अंदर एम्बेडेड होता है इसे रूट बोलेंगे, और ये जो कैल्शियम से बना हुआ बोनी पार्ट है इसे हम लोग क्राउन बोलते हैं, क्राउन। तो सभी टीथ में 2 पार्ट हो गए, क्राउन रूट, क्राउन रूट, क्राउन रूट, ठीक है। तो इंसीजर टीथ कैसा होगा, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ब्लेड का क्या फंक्शन है, तो काटने का फंक्शन है, तो इट इज फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ विच हेल्प्स इन कटिंग फूड, फूड को काटने के लिए हम लोग इंसीजर टीथ का यूज करते हैं। याद रखना है इंसीजर टीथ हम लोग माउथ में कितने होते हैं, 8। यहाँ पे हम लोग डेंटल फार्मूला देख रहे हैं किसी एडल्ट में कितने कितने टीथ हो सकते हैं, तो फार्मूला हम लोग देखते हैं किसी भी एक जॉ के हाफ टीथ को, याद रखना जैसे अपर जॉ और लोअर जॉ हो गया, तो अपर जॉ के हाफ टीथ को हम लोग डेंटल फार्मूला में यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी जॉ का चाहे अपर हो या लोअर उसके हाफ टीथ को हम लोग लेते हैं। तो इंसीजर हम लोग देखें तो अपर जॉ के हाफ पार्ट में 2 इंसीजर, 1 कैनायन, 2 प्रीमिलर प्रीमोलर और 1 मोलर टीथ होता है हाफ, तो हाफ पार्ट में ये टीथ, तो फिर हाफ पार्ट में इतना ही टीथ हो गया, हम लोग देखें कितना है, 2 + 1 + 2 + 3 टोटल 8, तो हाफ पार्ट में 8 हो गया, तो फिर से इसके हाफ पार्ट में 8, यानी कि 1 जॉ में 16, तो नीचे वाले जॉ में भी 16, तो इस तरह से किसी एडल्ट में टोटल कितने जॉ हो, सॉरी कितने टीथ हो गए, तो हम लोग देखेंगे 32। तो सेम हम लोग देखें कि किसी चाइल्ड में जो मिल्क टीथ होता है वो कितने होंगे, तो सेम है किसी भी अपर या लोअर जो के हाफ टीथ को हम लोग देखेंगे, तो इनसीजर चाइल्ड में भी 2 होता है, यानी कि हाफ पार्ट में 2, तो फिर दूसरे हाफ पार्ट में 2, तो 4 हो गया, किसी भी एक जॉ में 4 इंसीजर होंगे, तो नीचे वाले जॉ में भी 4 इंसीजर होंगे। कैनायन हम लोग देख रहे हैं कि हाफ पार्ट में 1 है तो दूसरे हाफ पार्ट में 1,
यानी एक जौ में दो होंगे तो दोनों जौ में चार हो गए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एट, यहाँ हम लोग देख रहे हैं फोर, ओह सॉरी, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला रॉन्ग टाइप हो चुका था। चाइल्ड में इंसीजर टू होंगे, कैनायन वन होंगे, प्री मोलर चाइल्ड में नहीं होता है और मोलर टू होंगे। मीन्स हमारे माउथ के अपर जो एंड लोअर जो के हाफ साइड में, यानी कि हाफ जॉ में हम लोग देखेंगे इंसीजर टेथ का नंबर टू है, यानी कि पूरे अपर जॉ में फोर हो जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे लोअर जॉ में भी फोर हो जाएंगे, मीन्स टोटल एट। टू इंटू फोर एट। फिर हम लोग देखेंगे कैनायन, कैनायन अपर हाफ जॉ में वन, फिर रेस्ट हाफ जॉ में हम लोग देखेंगे वन एंड लोअर जॉ में फिर टू। तो हम देख रहे हैं फोर, प्री मोलर चाइल्ड में नहीं होते हैं और मोलर हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी अपर जॉ में टू इंटू टू फोर एंड लोअर जॉ में फोर, मीन्स टोटल एट। तो चाइल्ड में हम लोग देखेंगे टोटल टेथ कितना होगा, 20। एट प्लस एट प्लस फोर 20। चाइल्ड में हम लोग देखेंगे कि लेटर जैसे ही वो मेंटली डेवलप्ड होता है, यानी आफ्टर 10 to 12 ईयर्स, हम लोग देखेंगे कि उसमें प्री मोलर टीथ फिर से दो आ जाते हैं। तो ये दो प्री मोलर टीथ बाद में डेवलप होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक और मोलर टीथ बाद में लास्ट में ये डेवलप होते हैं। तो इस लास्ट मोलर टीथ को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। ये उस टाइम में डेवलप होते हैं जब चाइल्ड मेंटली ग्रोन हो जाता है। विजडम टीथ चाइल्ड में सबसे लास्ट में ग्रो होता है जब वो मेंटली डेवलप हो जाता है, यानी थिंकिंग एबिलिटी उसमें आ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इंसीजर हम लोग देख लिए कटिंग ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। कैनायन, कैनायन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये पॉइंटेड टीथ, पॉइंटेड जस्ट आफ्टर इंसीजर। हम लोग देखेंगे हमारे अपर जो कि ठीक सामने वाले टीथ के बगल में दो पॉइंटेड टीथ, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो सामने के चार टीथ के ठीक लेफ्ट और राइट हम लोग देखेंगे तो कैनायन टीथ है। इट इज पॉइंटेड टीथ विच हेल्प्स इन टियरिंग फूड, ये टियरिंग ऑफ फूड में हेल्प करेगा। ठीक उसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे प्री मोलर। इट इज ब्रॉड टीथ, ये थोड़ा चौड़ा टीथ है, हम लोग देख रहे हैं ब्रॉड टीथ। इट इज ब्रॉड टीथ विथ स्मॉलर ग्राइंडिंग सरफेस, इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं ग्राइंडिंग सरफेस। ग्राइंडिंग मीन्स पीसना, ये फूड को क्रश करने में हेल्प करता है। स्मॉलर ग्राइंडिंग सरफेस विच हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ये फूड को च्यू करना और ग्राइंड करने में हेल्प कर रहा है। मोलर हम लोग देखेंगे, इट इज ऑल्सो ब्रॉड टीथ, ये भी ब्रॉड टीथ है, हम लोग देख रहे हैं कि इसका भी ग्राइंडिंग सरफेस ब्रॉडर है। इट इज ऑल्सो ब्रॉड टीथ विथ लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस, तो इस टीथ से ज्यादा ग्राइंडिंग सरफेस इसमें होता है ना, लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस विच हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। इसका भी फंक्शन सेम है, यह भी फूड को च्यू एंड ग्राइंड करने में हेल्प कर रहा है। तो हम लोगों ने टीथ देखा, टाइप ऑफ टीथ देखा, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनायन, प्री मोलर, मोलर। इंसीजर कटिंग ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, कैनायन टीयरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, प्री मोलर एंड मोलर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट माउथ के ऑर्गन को देखेंगे। टंग इज द सेकेंड पार्ट इन माउथ। टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी। टंग को हम लोग अपने बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बोलते हैं। जनरली दूसरा जितना भी मसल्स होता है वो बोन की हेल्प से मूव करता है, लेकिन टंग एक सिंगल मसल है जो बिना किसी बोन के हेल्प से यह मूव कर सकता है, इसलिए इसे हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बोलते हैं। टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग। ये फूड को च्यू करने में हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड मिक्सिंग सलाइवा इनटू फूड। और सलाइवा को फूड से मिक्स करने में भी हेल्प करेगा, एंड मिक्सिंग सलाइवा इनटू फूड एंड फाइनली टू स्वेलो इट। और फूड को स्वेलो करने में, निगलने में भी यह हेल्प करता है। तो टंग का हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, यह फूड चबाने में हेल्प कर रहा है, एंड मिक्सिंग सलाइवा इनटू फूड और फूड में सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करेगा, एंड फाइनली टू स्वेलो इट, और उस फूड को स्वेलो करने में या निगलने में ये हेल्प करता है। टंग हैज टेस्ट बर्ड्स। हम लोग देखेंगे टंग के ऊपर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, कुछ टेस्ट बर्ड्स बीटर टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, कुछ हम लोग देखेंगे सावर को, कुछ साल्टी को, कुछ स्वीट को। तो टंग हैज टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो टेस्ट बर्ड के कारण ही टंग जो है डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड को रिकॉग्नाइज करता है। रफ सरफेस ऑन द टंग इज कॉल्ड पैपीली। टंग के ऊपर हम लोग देखते हैं बहुत सारे रफी सेल्स होते हैं, रफ सरफेस होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पैपीली। तो ये जो रफ सरफेस है टंग के ऊपर वाले पार्ट पे, इसे हम लोग बोलेंगे लिंगुअल पैपीली। अपर सरफेस ऑफ टंग हैज लिंगुअल पैपीली। टंग के ऊपर हम लोग देख रहे हैं ये रफ सरफेसेस। लोअर सरफेस हम लोग देख रहे हैं स्मूथ होता है। द लोअर सरफेस ऑफ टंग हैज लिंगुअल फ्रेनम। तो याद रखना है टंग के नीचे वाले सरफेस, नीचे वाले सरफेस को हम लोग लिंगुअल फ्रेनम बोलेंगे, अपर सरफेस को लिंगुअल पैपीली। तो पहले ऐसा एज्यूम किया जाता था, साइंटिस्ट लोगों ने बताया था कि अपर टेस्ट बर्ड्स जो टंग के ऊपर के एरिया में होता है, अपर टेस्ट बर्ड्स यह बीटर टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। फिर हम लोग देखे थे कि उसके नीचे यहाँ पे एक टेस्ट बर्ड दिखाया गया, ये टेस्ट बर्ड सावर टेस्ट को, सावर टेस्ट को, और ठीक उसके नीचे का टेस्ट बर्ड साल्टी टेस्ट को, और सबसे नीचे का टेस्ट बर्ड स्वीट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। ऐसी थ्योरी पहले हुआ करती थी। नाउ इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड दैट ऑल टेस्ट बर्ड्स कैन रिकॉग्नाइज ऑल टाइप ऑफ टेस्ट। अब यह प्रूफ हो चुका है कि जो भी टेस्ट बर्ड्स हम लोग के टंग पे होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स मैक्सिमम टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मीन्स टेस्ट बर्ड्स आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी टेस्ट, या किसी टेस्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। तो ये हम लोग टंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके ऊपर रफ सरफेस पैपीली और टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज फैरिंक्स। ना माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी ओपन इनटू शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फैरिंक्स। तो ये हम लोग का माउथ हो गया। ये माउथ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक स्पेस में ओपन हो रहा है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल जो या नेजल कैविटी है, इसका एयर भी जा रहा है, और यहाँ माउथ का हम लोग देख रहे हैं फूड भी जा रहा है ना। तो जिस प्लेस पे हम लोग देख रहे हैं कि विंड पाइप हमारे फूड पाइप से कनेक्ट होता है, इसे हम लोग फैरिंग्स बोलते हैं ना। फैरिंग्स इज द प्लेस वेयर फूड पाइप एंड विंड पाइप बोथ आर इंटरकनेक्टेड। फूड इज prevented from going to windpipe by a small flap like structure
कॉल्ड इपिग्लॉटिस। तो हम लोग देखेंगे इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे एक मसल है, ये मसल इसे हम लोग इपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब फूड को हम लोग इनगल्फ करते हैं तो ये इपिग्लॉटिस नीचे विंड पाइप को कवर कर लेता है और फूड आसानी से हमारे फूड पाइप में नीचे की ओर चला जाता है। और जब फूड चला जाता है फिर से ये फ्लिप ऊपर आ जाता है, और जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो ये एयर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से इस फूड पाइप को क्रॉस करते हुए विंड पाइप में जाता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये फूड पाइप हो गया और ये विंड पाइप हो गया, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो जिस प्लेस पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर रहा है इसे हम लोग बोलेंगे फैरिंग्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि एपिग्लोटिस एक मसल है जो फूड पाइप के फूड को विंड पाइप में जाने से रोक देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसोफेगस। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों का फूड पाइप है ये एक लॉन्ग ट्यूब में ओपन हो जाता है। इसोफेगस इट इज ए लॉन्ग नैरो ट्यूब लिंक्ड बिटवीन फैरिंग्स एंड स्टोमक, यह फैरिंग्स और स्टोमक को कनेक्ट करता है। इसोफेगस सेंड्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। तो माउथ से फूड को स्टोमक में सेंड करने का काम इसोफेगस का है बाय अ रिदमिक मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस। जैसे ही फूड को हम लोग स्वेलो करते हैं या इनगल्फ करते हैं या निगलते हैं, जब फूड को निगलते हैं तो ये जो वॉल है हम लोग देख रहे हैं कि फूड पाइप का जो इसोफेगस का वॉल या एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है ये क्या कर रहा है, तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, चिपक जा रहा है, और कहीं पे यह रिलैक्स कर रहा है यानी रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके फूड को नीचे की ओर पुश करता है। ये फूड हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे नीचे की ओर पुश होता जाता है। तो इस रिदमिक मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे। इसोफेगस सेंस फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय अ रिदमिक मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस। नोट नो देखेंगे छोटा सा नोट, पेरिस्टाल्सिस अकर्स इन ऑल द वे डाउनवर्ड डायरेक्शन। पेरिस्टाल्सिस हमेशा याद रखना है कि फूड पाइप में इसोफेगस से स्टार्ट होके यह होल एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर से नीचे की ओर होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स। ये एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स होता है, उस मसल से कंट्रोल्ड होता है और ये हमेशा रिदमिक मूवमेंट होता है जो उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण होता है, जिसके कारण फूड धीरे धीरे नीचे की ओर पुश होता चला जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे रिदमिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ऑर्गेन एलिमेंट्री कैनाल का है स्टोमक। हम लोग देखेंगे इसोफेगस से फूड कहाँ पहुँचता है, स्टोमक के अंदर। ओके, स्टोमक इज अ लार्ज जे शेप्ड ट्यूब। ना स्टोमक का शेप कैसा होता है, जे शेप्ड। स्टोमक इज अ लार्ज जे शेप्ड ट्यूब। वॉल ऑफ स्टोमक कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हम लोग देखेंगे स्टोमक के वॉल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है ना, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। देखेंगे जो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, और इसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी बोलेंगे। गैस्ट्रिक जूस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस which contain HCl
म्यूकस एंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स। हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव जूस जो स्टोमक से रिलीज होता है, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, इसमें थ्री टाइप ऑफ लिक्विड्स होता है, HCl, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप ऑफ लिक्विड्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक, तो थ्री टाइप होगा, HCl, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक एंजाइम। और कितने टाइप का गैस्ट्रिक एंजाइम्स होता है ये भी पूछा जाता है, तो हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी थ्री टाइप के होते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, HCl का फंक्शन देखेंगे। HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स द जर्म विच आर प्रेजेंट इन द फूड। हम लोग जो फूड को इनटेक करते हैं उसमें अगर कोई जर्म प्रेजेंट होता है तो उसे किल करने का काम HCl का है। एंड मेक द मीडियम एसिडिक बाय मेंटेनिंग लो pH। याद रखना है कि हमारे स्टोमक के अंदर यह मीडियम को एसिडिक बना देता है बाय मेंटेनिंग लो pH, वह pH को लो कर देता है जिससे वहां का मीडियम जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। साथ ही साथ HCl पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है, इट एक्टिवेट पेप्सिन एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन एसिडिक मीडियम। जैसे ही स्टोमक का मीडियम एसिडिक होता है पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और यह एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन तब स्टोमक से स्टार्ट करता है। ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम लोगों ने कहाँ से देखा था, स्टार्ट हुआ था माउथ से ही, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था स्टार्ट, जबकि स्टोमक से हम लोग देखेंगे प्रोटीन एंड लिपिड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टोमक से। नेक्स्ट हम लोग लिक्विड देखते हैं म्यूकस, इट प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल फ्रॉम इफेक्ट ऑफ HCl। हम लोग देखेंगे HCl हाईली एसिडिक होता है जो स्टोमक वॉल को डैमेज कर सकता है, तो ये डैमेज ना हो या HCl का कोई इफेक्ट वॉल पे ना पड़े इसके लिए म्यूकस क्या करता है, उस वॉल के ऊपर आके एक थिक लेयर बना देता है जहाँ पे HCl का इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो म्यूकस प्रिवेंट करता है HCl से स्टोमक वॉल को। नेक्स्ट लिक्विड हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स, हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स निकलते हैं जिसका अपना फंक्शन है। देखेंगे इट हैज फॉलोइंग थ्री एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, गैस्ट्रिक एंजाइम हम लोग देखेंगे एक पेप्सिन रिलीज होता है, देन आफ्टर एमाइलेज या गैस्ट्रिक एमाइलेज भी हम लोग बोल सकते हैं, एंड थर्ड इज गैस्ट्रिक लाइपेज। तो तीन एंजाइम्स गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं। हम लोग देखेंगे पेप्सिन ए टाइप ऑफ एंजाइम विच स्टार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्टोमक के अंदर यह प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है। एमाइलेज ए टाइप ऑफ एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियसली याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है।